दोस्तों, हमारे चैनल मेडिसिन डिटेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे पेन 40 टेबलेट के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उस पर प्लीज क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पेंटाप्राजोल 40 मिलीग्राम प्रोथान पंप इनहिबिटर होता है, जो पेट में बनने वाले एसिड को कम करने का काम करता है। सबसे पहले पेंटाप्राजोल को प्रोटोनिक्स नामक ब्रांड के रूप में बेचा गया था। पेंटाप्राजोल की क्षमता ओमेप्राजोल के बराबर ही होती है, लेकिन पेंटाप्राजोल की बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। आइए इस दवा के उपयोग और साइड इफेक्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं। पेंटाप्राजोल 40 मिलीग्राम का उपयोग आप आगे बताएगी समस्या में कर सकते हैं। आपको बता दें कि पेंटाप्राजोल 40 मिलीग्राम का उपयोग आपको और सुबह सुबह खाली पेट ही करना चाहिए, जिससे आपको इसके बेहतर परिणाम मिल सके। पेट की एसिडिटी दूर करने में, आंतों का अल्सर दूर करने में, सीने की जलन को दूर करने में, पेट के अल्सर को दूर करने के लिए पेंटाप्राजोल 40 मिलीग्राम के साइड इफेक्ट। पेंटाप्राजोल 40 मिलीग्राम के इस्तेमाल करने से आपको कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हम आपको इसके इस्तेमाल से होने वाले साइड इफेक्ट्स को आगे बता रहे हैं। ये साइड इफेक्ट्स आपको हमेशा नहीं होंगे, लेकिन अगर बताए गए साइड इफेक्ट आपको समझ आ रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। मिचली आ सकती है, सिर में दर्द महसूस हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, दस्त की समस्या हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, स्किन में खुजली हो सकती है और पेट भी फूल सकता है, कब्ज की समस्या हो सकती है। पेंटाप्राजोल 40 मिलीग्राम कैसे काम करता है? पेंटाप्राजोल आपके पेट में प्रोथान पंप को रोकने का काम करता है, जिसकी वजह से आपके पेट में गैस्ट्रिक एसिड का निर्माण नहीं होने पाता है। इस तरह आपके पेट में जलन, गैस आदि की समस्या नहीं होने पाती है। पेंटाप्राजोल 40 मिलीग्राम की पेंटाप्राजोल कुछ दवाएं जो फोन को लेकर संवेदनशील होते हैं उनके अवशोषण को प्रभावित करने का काम करता है, जिनका जिक्र हम आगे कर रहे हैं। एम्पीसिलिन, कीटोकोनाजोल, आयरन साल्ट, एम्फीटामिन्स। दोस्तों, अगर आपको हमारे